आजकल हमारे आसपास तरह तरह की नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यदि हम इन बीमारियों का उपचार सही टाइम पर ना करें तो यह हमारे लिए जानलेवा भी हो सकती है, और इन बीमारियों का उपचार हमारे लिए बहुत ही महंगा पड़ चुका है, क्योंकि बड़े बड़े अस्पताल बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं, जो कि एक आम नागरिक के लिए असंभव होता है। आज मैं आपको बड़ी बीमारियों में से एक बहुत बड़ी और एक जानलेवा फीवर के बारे में बताऊंगा, जिसका उपचार आप अपने घर पे भी कर सकते हो। यह है मलेरिया। यदि मलेरिया का उपचार शुरू से किया जाए तो आप इससे अपने घर में भी छुटकारा पा सकते हो, लेकिन मलेरिया की बीमारी के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी। इसका इलाज बहुत ही आसान है, लेकिन यदि आपने लापरवाही दिखाई तो यह आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। आपको इस वीडियो में मलेरिया के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और इसका कैसे इलाज अपने घर पे बैठे बैठे करें, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और स्किप ना करें। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। मलेरिया को साइंस में प्लास्मोडियम इन्फेक्शन कहा जाता है। मलेरिया एक डिजीज है जो कि प्लास्मोडियम नामक पैरासाइट के कारण होता है, और ये हमारी बॉडी में मलेरिया इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है और ये पैरासाइट्स के कारण होता है, और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिस मॉस्किटो के काटने के कारण फैलता है। जब ये मच्छर हमें काटता है तब ये मॉस्किटो सलाइवा के हेल्प से पैरासाइट हमारे ब्लड में डाल देता है। तब ये पैरासाइट लीवर के पास जाता है और वहाँ पर मैच्योर होता है और नए नए पैरासाइट उत्पन्न करता है, जिस कारण से हमारे लीवर में इनकी मात्रा बढ़ जाती है, और कुछ दिनों के बाद इनकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं और हमारे रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और रेड ब्लड सेल्स को इतनी क्षमता से इन्फेक्ट करते हैं कि 48 से 72 घंटे के अंदर रेड ब्लड सेल्स में इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस कारण से ये बड़े स्तर पे फैल जाता है। वैसे तो मलेरिया के बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताऊंगा। पहला, आपको अचानक से तेज बुखार आ जाएगा जो कि नॉर्मल बुखार से अलग होता है। दूसरा, आपको ठंड लगने लग जाएगा, आपको नॉर्मल पर्सन के मुकाबले ज़्यादा ठंड लगेगा। तीसरा, आपको अत्यधिक मात्रा में पसीना आने लग जाएगा। चौथा, आपका सर दर्द करेगा। पांचवा, आपको उल्टी भी हो सकती है। छठा, आप गहरी लंबी सांस लेने लग जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सातवा, आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा और आपका मन विचलित होता रहेगा। आठवां, यदि आपके बॉडी में मलेरिया का इन्फेक्शन काफ़ी मात्रा में फैल चुका है तो आपको मन में से खून देखने को मिल सकता है। इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। नौवां, आपके मांसपेशियों में दर्द होगा और ये दर्द अनचाहा दर्द होगा जो कि आपको आसानी से पता नहीं चल पाएगा कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। दसवां, आपके बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ये थे मलेरिया के कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। यदि आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स है तो आप नज़दीकी डॉक्टर से जांच करवाएं। अब आप इस वीडियो में इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज जानोगे जिनके हेल्प से आप मलेरिया से बच सकते हो और अस्पताल में जाने से बच सकते हो। आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत चीज़ें खाने की आदत मलेरिया को बड़े स्तर तक फैला सकता है। यदि आप अल्कोहलिक हो और काफ़ी ज़्यादा बाहर के खाते हो तो इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए आपको। पहली और इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज है दालचीनी। दालचीनी मलेरिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव माना जाता है। इसके लिए आपको एक चम्मच दालचीनी का पाउडर लेना है, एक चम्मच हनी लेना है और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर लेना है, यानी कि ब्लैक पेपर के पाउडर, और इन सारे मिक्सर को एक गिलास पानी में उबाल दें। उबालने के बाद से ठंडा होने दें और इसका सेवन करें, और यह आपको हर रोज पीना है। इसका सेवन करने से मलेरिया के इन्फेक्शन धीरे धीरे कम हो जाते हैं और धीरे धीरे आप नॉर्मल होने लगते हो। दूसरी और इम्पोर्टेंट होम रेमेडीज है लाइम एंड लेमन, यानी कि नींबू और चूना। नींबू और चूना मलेरिया को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। इसके लिए आपको 3 ग्राम चूना लेना है और आपको 600 ml पानी में से मिला देना है, और एक नींबू को काट लीजिए और इसमें डाल दीजिए और इस मिक्सर का सेवन करें। लेकिन आपको ये चीज़ मलेरिया की बीमारी होने से पहले ही लेना है, यानी कि इनिशियल स्टेज में काफ़ी इफेक्टिव होता है ये। ये दोनों होम रेमेडीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये दोनों होम रेमेडीज़ आपको मलेरिया से छुटकारा दिला सकता है।
यदि आपको बुखार ज़्यादा हो जाए तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन इनिशियल स्टेज में आप इन दोनों की हेल्प से आप मलेरिया से बच सकते हो। आप मलेरिया से बचने के लिए शुरुआती उपाय कर सकते हो, जैसे कि मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, फुल बाजू वाले कपड़े पहने। ये सारी चीज़ें आपको मलेरिया होने से बचा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें।